राइट, हैव यू हेल्प टू योर मदर, आप अपनी मम्मी को हेल्प करते हो, नहीं काम बढ़ाते हो, है ना, ओके नहीं मम्मी को हेल्प करना है, ओके। नाउ हाउसहोल्ड वर्क, दिस इज द इंसिडेंस ऑफ द वन गर्ल, इज द दीपाली नेम, ओके, दिस इज द हाउ द दीपाली हेल्प्स टू हर मदर, राइट, ओके। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल, नाउ दीपाली नॉट गो टू स्कूल, वाई शी डोंट गो टू द स्कूल, बिकॉज सो मेनी प्रॉब्लम्स इन हर फैमिली, ओके, लेट अस रीड अबाउट हर, वी हैव टू राइड अबाउट हर द दीपाली, ओके। दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली, इज द एल्डेस्ट चाइल्ड, मतलब बड़ी, सबसे बड़ी घर में है, ओके। हर फादर सेल्स वेजिटेबल, उसके पापा वेजिटेबल्स बेचते हैं, ही लिव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसके पापा जो है वो मंडी में, मतलब जो सब्जी बेचते हैं ना उनको मंडी जाना पड़ता है, मार्केट बड़ी सी मार्केट होती है, राइट, तो उसमें सबसे जल्दी जल्दी अर्ली मॉर्निंग वो चले जाते हैं। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल इन सम हाउसेस, एंड दीपाली मदर वॉशेस यूटेंसिल इन द सम हाउसेस, जैसे मतलब दूसरे के घर में काम करने जाते हैं और बर्तन घिसते हैं, ओके। सी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो भी जल्दी जल्दी, उसकी मम्मी भी जल्दी सुबह में निकल जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर, अब अकेली बच्ची दीपाली और उसके भाई एंड बहन, तो उसको खाना पकाना होता है उसके ब्रदर एंड सिस्टर के लिए। सी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशिज द यूटेंसिल्स, वो क्या करती है अपने घर को क्लीन करती है और घर के बर्तन भी वो वॉश करती है। सी इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, उसको रेडियो सुनना बहुत पसंद है। आपने चिल्ड्रन रेडियो देखा है, नहीं रेडियो किसी ने नहीं देखा होगा, है ना, रेडियो क्या होता है, अगर किसी के घर में हो ना तो रेडियो देखना जरा, अब तो कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल और टीवी उसमें ही आप गाना सुनते हो, रेडियो में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आते, जब मोबाइल टीवी वगैरह नहीं थे तो हम जो थे वो रेडियो में गाना सुनते थे, राइट, जब मैडम भी छोटे थे तो रेडियो में गाना सुनते थे, ओके। सी लिसन टू सॉन्ग व्हाइल सी वर्क्स, एंड व्हेन सी वर्क्स देन सी लिसन्स द songs, okay. After finishing the work at home, she goes to drop her brother and with their father. अब उसका घर का जब काम खत्म हो जाता है तो उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स को उसके पापा के साथ वो छोड़ने जाती है। सी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड सीला टू स्कूल, और उसके बाद वो अपने यंगर सिस्टर से, अपने से छोटे है उसको वो स्कूल में छोड़ने जाती है। After that, Dipali helps her mother in her work. और उसके बाद दीपाली जो है वो घर के अंदर उसकी मम्मी को हेल्प करती है। In the afternoon, she brings her brother and sister back home. और जब afternoon हो जाता है, दीपाली also take out their brother and sister from the school. Okay. In the evening, she plays with her children in the neighborhood. And in the evening, all are playing with the neighborhood children, okay. Her mother come back home late in the evening, and her mother come back home in the evening. Dipali helps her mother dinner for the family. Now Dipali helps to her mother for the evening dinner, okay. Her father comes home very late at night, and उसके पापा जो है बहुत रात को देर से आते हैं. At night Dipali loves to lie in bed and read her sister's school book. और लेट नाइट में जब वो बेड पे होते हैं तो दीपाली जो है उसकी छोटी बहन है उसकी स्कूल की बुक वो पढ़ती है। सी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3, वो कहाँ तक पढ़ी है, 3 क्लास तक, थर्ड स्टैंडर्ड तक। 3 इयर्स बैक व्हेन हर लिटिल ब्रदर वॉज बॉर्न, सी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हिम, 3 साल पहले उसके भाई का बॉर्न हुआ इसीलिए उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो अपने भाई का घर पे केयर रखती थी। सी कुड नॉट स्टडी एनीमोर, इसीलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाई। सी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू नो द थिंग्स, उसको पता है कि बुक्स पढ़ना और स्टडी करना बहुत अच्छी चीज़ है, हमको बहुत नॉलेज मिलता है, हम अच्छे से पढ़ पाते हैं और बड़े हो सकते हैं, है ना। Now she is back to school and
अब उसका जो छोटा भाई है, बहन है, वो थोड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए फिर से उसने स्कूल में जाने के लिए फिर से वो स्कूल में रेगुलर हो गई है, अब स्कूल में जाने लगी है। ओके, यहाँ आपको दिया है व्हाट वर्क दीपाली डू इन द हाउस, दीपाली क्या करती है, आप क्या करते हो आपके घर में, ये सारी एक्टिविटी आपको करना है। फिर यहाँ पे क्लॉक दिया है, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे स्कूल से वापस आते हो। ओके, अब आपको यहाँ लिस्ट बनाना है, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू हाउस होल्ड वर्क, आपके फैमिली मेंबर्स के नेम लिखना है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, दादी है, ग्रैंड मदर है, और वो क्या काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? ओके, दूसरा जो नेक्स्ट पार्ट है सरला के बारे में है, वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ वी सी द सी डब्ल्यू पार्ट, राइट द वर्क प्लेस ऑफ द फॉलोइंग पीपल, फॉलोइंग पीपल कहाँ पे काम करते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ काम करते हैं, हॉस्पिटल। ओके, इट इज वेरी इजी, पुलिस, देन पुलिस स्टेशन, पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस। ओके, जज, जज इन द कोर्ट, एंड सरपंच, सरपंच वर्क इन द ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत आपको पता है स्टूडेंट्स, ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत जो है बहुत स्मॉल विलेज होता है ना, वहां जैसे हमारे हरोल में नगर पालिका है, देखा सबने नगर पालिका, और अगर नहीं देखा हो बाजार में निकलो तो मम्मी पापा को बोलना नगर पालिका हॉल कहाँ है, तो पूरे हरोल का जो बिजली है, वाटर है, उसका ध्यान कौन रखता है, रोड्स है, उसका ध्यान नगर पालिका। आप देखो बारिश के सीजन में सब रोड डंप कर दिया है, खोद दिया है ना, तो अगर प्रॉब्लम हो तो किसके पास जाना पड़ता है, नगर पालिका के पास। ओके, तो ग्राम पंचायत भी जो स्मॉल विलेज होता है, राइट, हरोल से भी छोटा, जैसे कि कंजरी है, शिवराजपुर है, वो छोटे छोटे विलेज के अंदर क्या होता है, ग्राम पंचायत, वो भी विलेज के पीपल के लुक आफ्टर करता है, उसकी बिजली वाटर सबका ध्यान रखता है। ओके, दिस इज द ग्राम पंचायत। नाउ राइट वर्क डन बाय द फॉलोइंग, वो क्या काम करते हैं, किसके लिए यूजफुल है। ओके, नाउ दिस इज द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। ओके, हॉस्पिटल गिव ट्रीटमेंट टू पेशेंट, हॉस्पिटल क्या काम करती है, पेशेंट को ट्रीटमेंट देती है। ओके, स्कूल गिव एजुकेशन टू चिल्ड्रन, स्कूल एजुकेशन देने का काम करती है। बैंक डिपॉजिट एंड विड्रॉ ऑफ मनी, आप बैंक के अंदर पैसे डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। ओके, पोस्ट ऑफिस गिव लेटर एंड मनी ऑर्डर, लेटर एंड मनी ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। होटल्स विजिटर्स स्टे एंड ईट, होटल्स के अंदर आउटसाइड जो विजिटर्स है वो उसमें रह सकते हो और उसको वहाँ से खाना भी मिल सकता है। ओके, कोर्ट गिव जस्टिस, जो विक्टिम है, राइट, जो कल्प्रिट है, जो विक्टिम पीपल है उसको जस्टिस देने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द स्मॉल स्मॉल यू हैव टू लर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। ओके, नाउ वी सी द टिक, राइट और रॉन्ग, दीपाली डिड नॉट लाइक स्टडीज सो सी हैव डिड नॉट गो टू स्कूल, दीपाली को स्टडी पसंद नहीं थी, नहीं उसको पसंद थी इसीलिए वो नहीं जाती थी ना, रॉन्ग। मदर्स मदर इज कॉल्ड द ग्रैंड मदर, यस, मदर मदर इज कॉल्ड द ग्रैंड मदर, राइट। सिक पीपल नीड टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, यस, सिक पीपल मतलब बीमार लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, यस। रश्मि बाईस फार्म हाउस इज पब्लिक प्रॉपर्टी, नो, इट इज नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, पुलिस प्रोटेस्ट पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी, यस, पुलिस प्रोटेक्ट द पीपल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। It is everyone's duty to take care of the public property. Yes, this is the everyone's duty to take the care of the public property. If one goes to school in the afternoon, it is not necessary to get up early. अगर कोई लड़का afternoon में school में जाता है तो उसको जल्दी उठना नहीं चाहिए, नहीं, it is wrong. ऐसा नहीं है कि school afternoon में है तो वो जल्दी नहीं उठेगा,
अर्ली अर्ली गेट अप मॉर्निंग, कीप द हेल्दी वेल्दी एडवाइस टू द मैन, राइट। वो हमको हेल्दी रखता है, वेल्दी रखता है, राइट। ओके, नाउ हियर इज द मैथ द फॉलोइंग। आई हैव नॉट इनफ स्पेस सो आई एम राइटिंग ओनली द आंसर्स। ओके, पेट्रोल पंप, सो पेट्रोल पंप इज द व्हाट वी थिंग्स वी हैव टू गेट फ्रॉम द पेट्रोल पंप, पेट्रोल, गैस एंड डीजल। Now bank, bank is the deposit and receipt of the money. Deposit and receipt of money. Okay. School, school is the place where a child is. Post office, post office, letters and money order. Okay, now hospital, hospital is the treatment of patient. जो दिया है जैसे कि रिपेयर्स कार एंड स्कूटर्स तो मैकेनिक करता है, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट डॉक्टर देता है, सेलिंग वेजिटेबल्स वेजिटेबल वेंडर, सेल गुड्स इन द शॉप इट इज द ग्रोसर, रिपेयरिंग टैप्स प्लम्बर, मेकिंग हाउस मेसन, राइट। डिफरेंट डिफरेंट अवर हेल्पर्स वी हैव टू राइट देयर नेम। हियर इज द लुक एट हियर दिस पिक्चर इज गिवन एंड यू हैव टू राइट द according to the picture, means firstly you see the picture, okay. Now I send you the PDF, one changes is there. Now you have to do circle on the public places, public places के ऊपर आपको circle करना है और जो चीज़ आपके surrounding area में है उसके नीचे underline करना है। क्यों मैंने change किया है, देखो यहाँ पे public place जो है उसके अंदर आपको oval shape करना है, लेकिन बड़ी बड़ी spelling है इसलिए ओवल शेप सर्कल शेप नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो सराउंडिंग एरिया है उसके अंदर हम अंडरलाइन करेंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक प्लेस क्या होता है, ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड, बाय बाय।